मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ। और हम लोगों के लैंग्वेज में अगर इसे हम कहें तो यह है जीएस बेस्ड एसेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं विमेन इक्वालिटी की बात करें, जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करें, लैंगिक समानता की बात कर लें, या फिर हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत का स्थान, इसमें अच्छा और बुरा नहीं है, है ना। इसमें आपको देखना है चीजों को, इसमें व्यवहारिकता है, इसमें फैक्ट्स हैं, फैक्ट बेस्ड एसेज हैं, जहां पे आपका जीएस का नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आई वेलकम यू ऑल, सबको ऑनलाइन में जितने लोग हैं आप सबों का स्वागत है हमारे इनिशिएटिव में। अभी हम लोग ऐसे शुरू करने जा रहे हैं और जिनका हो गया है सिलेक्शन, फिर से आप सबों को हमारी शुभकामना। तो देखते हैं ऐसे में क्या कवर करना है। तो पहली बात यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ अभी बच्चों, देखो कि पहला है कि फिलोसॉफिकल थीम बेस्ड एसेज होंगे दार्शनिक विषय पे, दूसरा जीएस पे आधारित होंगे, और तीसरा उन एसेज को पूछा जाएगा जिसकी प्रासंगिकता बिहार के परिपेक्ष में है, जो बिहार में कॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड है। अब आप लोग पहला काम करें कि इस थीम के लिस्ट को समझिए, ये बहुत अच्छे से सोच समझ के मैंने प्रिपेयर किया है, आप इनको समझिए। अगर दार्शनिक एसे पूछा जा रहा है तो कौन क्या क्या थीम है उसके, अगर दार्शनिक एसेज पूछे जा रहे हैं अच्छी और बुरी चीजें, सही और गलत की बात करें, तो इसमें फिर अलग अलग आयामों को समझ लेना है। तो इसमें पहला आयाम जो है वो राजनैतिक है, यानी पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए एसेज जो होंगे। तो इसमें हमें पॉलिटिकली तुम सोचो कि जितनी भी बातें होती हैं, वाद विवाद कुछ भी होता है, आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, मिल जाएगा, सब मिलेगा, यही दे देंगे शाम तक, हड़बड़ाइए नहीं, समझ लीजिए अभी क्लास में। लिखने के लिए आपके पास आज रात भर हम आपको ऐसा लिखवाएंगे ना फिर, कि आप रेडी रहिएगा लिखने के लिए, अभी रुकिए सब लोग, ठीक है। तो पहले है जस्टिस। जस्टिस एक ऐसा थीम है जो इंसान जब गुफा में था ना, उस समय से लेकर के इंसान आज तक और आने वाले हजारों पीढ़ियां अगर धरती पर रहेंगी तो जस्टिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर में। दूसरा लिबर्टी, स्वतंत्रता। जानवर भी पिंजड़े में रख दो, एक चिड़िया दिन भर पिंजड़े मतलब एक शाखा पे बैठी रह सकती है, लेकिन अगर उससे बड़े पिंजड़े में उसको रख दोगे तो वो शायद एक ही दिन में बोर हो जाएगी। तो जीव मात्र जो होता है ना, द एंटायर ऑर्गेनिज्म, जो एंटायर लिविंग वर्ल्ड है, कोई भी उसमें ये नहीं चाहता है कि उसको चेन्स में रखा जाए। तीसरी बात है समानता, ठीक है, जब हम और आप बराबर हैं, बराबर इसलिए हैं क्योंकि हम और आप इंसान हैं, तो जब हम और आप इंसान हैं, हम सब में ईश्वर का अंश बताया जाता है, हम सब एक तरीके से सोच सकते हैं, तर्क करने की क्षमता है, हम सभी एक ही तरीके से धरती पे आते हैं, एक ही जरूरतों का सामना करते हैं, हम सभी को आगे बढ़ने की आकांक्षा है, और सभी को दुख होता है, और सभी में खुशी की भावना एक समान है, तो क्यों हम अलग अलग रहेंगे। सो इफ देयर इज अ फंडामेंटल इक्वालिटी among all human beings, then why there should be unjust inequality? There has to be equality. तो इस बारे में बात होनी चाहिए। और इसी तरीके से भारत के परिपेक्ष में भारत का दिया हुआ एक राजनैतिक बहुत बड़ा विचार है नॉन वायलेंस, अहिंसा का, है ना। अहिंसा की बात सिर्फ गांधी जी ने नहीं की है, अहिंसा की बात भारत के वेदों, उपनिषदों और श्रमण जो पूरी परंपरा है उसमें शुरू से रही है। श्रमण परंपरा आप लोग तो सब जानते हैं, वाकिफ होंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, है ना। आष्टांगिक मार्ग की बात कर लो, या फिर महावीर के जो पंच महाव्रत हैं उनकी बात कर लो, और फिर उपनिषदों में जब अहिंसा परमो धर्म की बात की जाती है तब देखो। और इन तीनों को एक बार फिर से आधुनिक समय में जीवित करने वाले, इन मॉडर्न टाइम्स, द पर्सन हु अगेन गेव बर्थ टू दीज आइडियल्स, महात्मा गांधी, उनकी बात कर लो। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में गांधी के विचारों को ले जाने वाले नेहरू, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान, उनकी बात कर लो। और आज परमाणु निशस्त्रीकरण की जब हम बात करते हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, तब की बात कर लो। तो आपको सब जगह नॉन वायलेंस का जरूरत है, देखने की बात करने की जरूरत है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो स्वराज की बात होती है, स्वराज की बात अगर आप करना चाहें, स्वराज को समझना चाहें, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्वराज है अपना राज, हमारे ऊपर में
किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। इस पे हम जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो तर्क चलता है कि हमें चाहिए आज़ादी, तो क्या हम आज़ाद हैं, क्या हमें और आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी के मायने क्या हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, क्या आज़ादी मिल चुकी है, क्या आज़ादी और लाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे बात करेंगे, गांधी के स्वराज को समझेंगे यहाँ पे। और जब मैं इन चीज़ों को समझ लिया तो उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भूखमरी आज़ादी का सबसे बड़ा वर्तमान परिदृश्य में अवरोध है, द लार्जेस्ट ऑब्स्टिकल और द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टुवर्ड्स फ्रीडम इज हंगर, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे पास में, चलो थीम अलग था बट वी गॉट सम पॉइंट्स, हमारे पास कुछ पॉइंट्स तो थे इतने क्लास पढ़ने के बाद में, हम लिख सकते हैं। फिर शांति को समझना है, मैंने बोला ना कि थीम्स लिमिटेड हैं, दुनिया में सच सही गलत की बातें इतने ही चीजों के अराउंड घूमती हैं। एथिक्स रिलेटेड थीम्स की बात करो तो सत्यनिष्ठा, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे हम लोग, है ना, भावनात्मक जो क्षमताएं हैं, ठीक है, और भावनात्मक बौद्धिकता जो है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, और एम्पैथी सहानुभूति हम जानते हैं, हम समानुभूति को समझेंगे, ठीक है, ऑनेस्टी डिसिप्लिन, आप सोच के देखिए मींस वर्सेस एंड, सही रास्ते चुने या सही मंदिरों को पाने के लिए कोई भी रास्ता चुने, इसके ऊपर बात होती है, गांधी जी ने भी किया था, हेट्रेड के ऊपर में घृणा जो होता है अंदर से भावना है इसके ऊपर में बात करेंगे, एंगर की बात करेंगे, मोरालिटी की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ाने का वक्त अभी बचा नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी बहुत चीज़ों को, 5 क्लास के बाद में बस यही करूंगा, क्लास में बहुत ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, एक ऐसे मैं क्या करता हूं कि लिख करके घर पे जाऊंगा यहां से क्लास करने के बाद, कोशिश करूंगा पर डे आपको एक ऐसे प्रोवाइड कर दूं, है ना, अगर कभी कभी थीम दूसरा भी प्रोवाइड कर सकता हूँ और जो थीम पे यहाँ पढ़ाया उस पर डे यहाँ एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो एक एस्से का वो क्वेश्चन कर लेना है, 4-5 जीएस के क्वेश्चन कर लेना है, इतना कर लीजिए ये 20 दिनों तक, उसके बाद आपके लिए बेहतर रहेगा तुरंत टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, माने टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, जितना बचा हुआ टेस्ट है ना, जितना पेंडिंग रहेगा आप मई महीने में विद इन एक वीक सारा टेस्ट खत्म कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, आपका नोट्स, आपका लिखा हुआ आंसर और टीचर का रिमार्क्स लेते हुए एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाइए और कुछ मत सोचिए, ठीक है, आपने अच्छी पढ़ाई की है तब आप यहां तक पहुंचे हैं, जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ मैं उनको बोल रहा हूं, कम बात नहीं होता है 2.5 लाख बच्चे में से 3500 में चुन करके आ जाना, ठीक है, नहीं तो पूछिए उनसे जो थोड़ा सा इस रेस से बाहर रहे हैं उनको कैसा लग रहा है अभी, और ये मौका दोबारा नहीं मिलता है हर बार, पूछिए उनसे जिनका 67th हुआ था और अभी नहीं हुआ, ठीक है, तो आगे बढ़े, और कुछ और थीम्स हैं, कंसिस्टेंसी निरंतरता की बात करना है हमको, टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन की बात करेंगे, विजडम की बात करेंगे, है ना, ज्ञान की बात करेंगे, अभी देखिए माइंडफुलनेस की बात होती है, माइंडफुलनेस कहने का मतलब आध्यात्मिक शांति थोड़ा आप कह सकते हैं, मन को पीस करने की बात, योगा की बात आजकल करते हैं, कुछ इससे जोड़ करके ले ले, तो हमारे पास में एक डायमेंशन लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। फिर नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप की बात हमेशा होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है, हॉबीज की बात देखेंगे, हॉबीज, लीजर, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर पर्सनालिटी देखो, पर्सनालिटी में मैंने ज़्यादातर पर्सनालिटीज उनको चुना है जिनसे पूरे के पूरे मोरालिटी के ऊपर में, हर नैतिकता के ऊपर में आप कुछ ना कुछ पॉइंट चिपका सकते हो, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे पर इनके विचार कहीं भी चिपक सकते हैं, ठीक है, उनमें से पहले हैं बुद्ध, बुद्ध इसलिए भी क्योंकि भारत के बौद्धिकता का अगर पहचान है कोई तो वो बुद्ध हैं, द यूएसपी ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअलिटी, बुद्ध रिप्रेजेंट्स दैट, महावीरा, हाँ, नैतिकता के आयामों को एक नई बुलंदी किसी ने दुनिया भर में दी है, एक मोरालिटी का जो स्टैंडर्ड महावीर ने सेट किया है किसी और ने नहीं किया होगा, किसी और ने नहीं किया है,
और इसी तरीके से एंशियंट इंडियन विजडम में हम लोग वैदिक परंपराओं को भी देखेंगे, ये दो श्रमण ट्रेडिशन को देखा, फिर गांधी को देखेंगे जो गांधी इन सब का समरी हैं एक साइड पे, और दूसरे साइड पे पाश्चात्य मूल्यों और भारतीय मूल्यों का जो सबसे बेहतरीन समन्वय किया जा सकता था उस परिदृश्य में जहाँ पे भारतीयता की तरफ ज़्यादा झुकाव था, टिल्ट था इंडियननेस की तरफ, वो रिप्रेजेंट करते हैं गांधी। ही वॉज अ सेंट अमंग लीडर्स एंड अ लीडर अमंग सेंट्स, है ना, वो नेताओं में एक संत थे और संतों में एक नेता थे। और उसके बाद में भक्ति सेंट्स में कबीर, नानक और बासवा को देखेंगे। बासवा का नाम सुना है किसी ने? हाँ, बासवा का नाम जानिए, वीर शिवा जो ट्रेडिशन है या जिसको लिंगायत आज के डेट में हम कहते हैं, उनके फाउंडर थे। आप सोचिए उस समय में आज से 700 साल पहले अगर कोई बंदा कहता है कि अगर कोई वुमन है, औरत है, स्त्री है, और वो अगर वो अपने मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के दौरान भी जा रही है और फिर भी वो जाकर के पूजा कर सकती है, तो सोचिए वो अपने समय से कितना आगे का आदमी रहा होगा। बीइंग अ ब्राह्मण 700 साल पहले उन्होंने शूद्रों के लिए मंदिर आने की न सिर्फ वकालत की जबकि उनसे ही मतलब पूजा करवाने का परंपरा शुरू किया। ये 700 साल पहले वो कर रहे हैं, कबीर से पहले। तो इनके आइडियाज अगर आप लिखेंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग लिखेंगे, ओरिजिनैलिटी भी रहेगी थोड़ी, है ना। तो जानना है इनके आइडियाज को भी, जहां जेंडर न्यूट्रलिटी, वीमेन की बात होगी तो सिर्फ, या फिर दलित्स की बात होती है तो अंबेडकर से शुरू मत कीजिए या ज्योतिबा फुले से शुरू मत कीजिए, यहां से शुरू कीजिए, है ना। तो इसीलिए मैंने इन तीन संतों को ही चुना है। कबीर और नानक को लगभग एक ही तरह से आप समझ सकते हैं, मतलब एक तरफ कबीर को रखिए, दूसरी तरफ बासवा को रखिए, भक्ति संतों में आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। उसके बाद चाहे तो थोड़ा बहुत अमीर खुसरो के पोएम्स को भी मैं आपको बता दूंगा इस वर्क क्लास में। जैसे अगर आपने सुना होगा विमेन के ऊपर में अमीर खुसरो ने एक बात बोली थी आज से 1000 साल पहले ना, करीब करीब 1290 के आसपास, वही था खिलजी का टाइम और तुगलक का। तो उन्होंने कहा था कि भैया को दीन्हा बाबुल महल अटरिया, हमको दीन्हा परदेश, काहे को ब्याही विदेश। तो ही सेड इतने साल पहले, ही सेड उतने साल पहले होली हो रही है ख्वाजा निजामुद्दीन की दरबार में, उतने साल पहले हिंदू और मुस्लिम जो सभ्यता है उसका एक सम्मिश्रण प्रस्तुत करने की उन्होंने कोशिश की। तो अगर इन चीजों को आप लिखते हैं ऑब्वियसली आपको ज्यादा पॉइंट मिलेगा, और बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ कुछ याद रखना है जहां जिसको ज्यादा से ज्यादा जगह चिपकाया जा सके, जिसकी एप्लीकेबिलिटी ज्यादा हो सके। क्राफ्ट ये है, ठीक है। जीएस में फिर हम लोग देखेंगे सोशल इश्यूज में, आपको मैं लिस्टिंग करवा दूंगा आज ही, इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, इसमें पूरा मैंने लिखवाया नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं नोट कर लूंगा। इसमें भी खास करके कुछ सोशल थीम्स देखेंगे, तीन चार, कुछ पॉलिटिकल थीम देखेंगे, कुछ इकोनॉमिक देखेंगे, कुछ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, साइंस बेस्ड, इन्वायरमेंट बेस्ड कुछ देख लेंगे। हालांकि मैंने इसको ज़्यादा इस पर तवज्जो इसलिए नहीं दी क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब खुद ही नहीं दे रहे हैं इस पर तवज्जो, ठीक है। तो बिहार रिलेटेड देख लीजिए, बिहार में इतना एटलीस्ट हम लोग थीम प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता या कोई नहीं दे सकता है अभी कि यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, बट फिर भी बिहार का इतिहास के बारे में अगर हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक का एक नॉर्मल हम लोगों ने एक प्रिपेयर कर लिया जिसको हम कहीं यूज कर सकते हैं। जैसे अगर बिहार की संस्कृति की बात हो तो चिरांद से ही क्यों ना शुरू किया जाए, क्यों कहानी हम शुरू करें बुद्ध से। न्यूलिथिक साइट्स, उतना पहले हमने यहाँ पे चावल उगा दिया भाई, क्यों नहीं बात करें कि वहां पे सभ्यता रही होगी, वहां पे कृषि की बात हुई होगी। हाँ, ईस्टर्न इंडिया का तो मेहरगढ़ ही था, ईस्टर्न इंडिया का, पूर्वी भारत का तो मेहरगढ़ यही है कम से कम। इसी तरीके से बिहार की संस्कृति की जब हम बात करेंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉइंट्स रहे वहां पे। एग्जाम हॉल में जाके ऐसे सोचना नहीं कि अच्छा बिहार की संस्कृति पे सोचते हैं क्या लिखना है, पहले से क्लियर रखना है। इसी तरीके से इकोनॉमी ऑफ बिहार देख लेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, इंडस्ट्री पॉवर्टी बैकवर्डनेस मतलब कृषि, है ना, उद्योग, गरीबी और पिछड़ापन,
ये सारी पॉइंट्स को हम लोग देख लेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ बिहार, है ना, मानव संसाधन से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ फैक्ट। मान लो बिहार से समस्याएं पूछ लिया, तो हमारे पास कुछ डेटा तो हो कि बिहार में महिलाओं के कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो एनेमिक हैं, माने कहने का मतलब जिनको खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, वही बात, खून की कमी वही बोलते हैं, तो करीब करीब 70% है। तो एक डेटा ये हो गया। इस तरह से जुड़े हुए डेटा रेडी रखना है। डेटा को कनेक्ट करने का तरीका, हाउ टू राइट एस्से में मैं तुम्हें पहले बता दूंगा, फिर कुछ कुछ जगहों पे तुम्हारे सामने कुछ कुछ पैराग्राफ लिख के दिखाऊंगा कि देखो ऐसे इंग्लिश में भी करेक्ट करके लिखते हैं, हिंदी में भी कनेक्ट करके लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहिए वो बता दूंगा। लेकिन हर थीम पे अगर मुझसे एक एस्से मांगोगे तो मैं एक 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 खास डायमेंशन में लिखा हुआ एस्से दे सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मैं मल्टीपल डायमेंशन तुम्हें यहाँ समझा दूँ और फिर तुम एस्से लिख करके लाओ और मुझसे इवैल्यूएट करवाओ, या फिर और जिनसे भी, रवि सर हैं उनसे भी करा सकते हो, दो ही लोग अभी हम लोग हैं जो इस फील्ड में थोड़ा सा अभी लगे हुए हैं एस्से में, तो आप उन दोनों में से जो भी फ्री होंगे उनसे इवैल्यूएट करवा के अपनी गलती पकड़िए और अगले दिन उसको सुधार कर लीजिए फट से, ठीक है। इसी तरीके से बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ जो चुनौतियां हैं समझने की कोशिश करेंगे उसको, कुछ पर्सनालिटीज ऑफ बिहार। अब ऐसा नहीं है कि वो कुंवर सिंह पे एस्से देंगे, लेकिन जब हम बिहार के गौरवशाली अतीत की बात करें तो एक पैराग्राफ कुंवर सिंह को तो जाना चाहिए, इसके लिए तो हम तैयार हो जाएं। एक पैराग्राफ तो ये बताते हुए कहना चाहिए कि अगर अकबर महान था तो अकबर से भी महान कोई था तो शेर शाह था, क्योंकि अकबर जिन चिन्हों पे चला, उन चिन्हों के लिए जो रास्ता तैयार किया था ना, उसने उसे शेर शाह ने किया था। जिस राजा को महाराणा प्रताप नहीं हरा सके, उसके बाप को उसके दादा की याद किसी ने दिलाई थी तो शेर शाह ने दिलाई थी। तो ये चीजें ध्यान होना चाहिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑफ बिहार थोड़ा बहुत देख लेंगे। देखो मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं चाहता हूं आप ऐसे तैयार करो, मान लो, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस भी किसी न किसी मूल्य से जुड़े हुए होते हैं, किसी वैल्यू सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, तो उन वैल्यू सिस्टम को हमको पकड़ लेना है। बीपीएससी कहाँ जाएगा, किसे पता है, हमें लगता है। देखो यार, मैं ना कोई बार सेट नहीं कर रहा, हमें क्या करना है, इतना डीप नहीं चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। देखो जाना ऐसे नहीं है, जाना ऐसे है, ठीक है। जितना कम टाइम है ना, नॉलेज बेस को स्प्रेड रखो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस अलग अलग, थोड़ा थोड़ा, मैं ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, सब में दो तीन ही लाइन बताऊंगा, लेकिन दो तीन लाइन सब में कर लेना है। अब 90 की बात, बीपीएससी हो, अब देखो यार हम नहीं कह सकते, हो सकता है ना पूछे, अच्छा है ना, अगर इजी पूछेगा तो कर लेंगे ना आसान वाला। पता नहीं यार, अब मान लेते हैं, देखो भाई मैं सीधा मान के चलता हूँ, क्या पूछेगा पता है, अगर अंधेरे रास्ते में चलना है तो हाथ में लाठी लेके चलो और लाठी से जमीन टटोलते हुए चलो, सांप मिला पटक के पीट दो, पता चला रस्सी मिला उसको भी दो तीन बार पीट के देख लो, क्या पता सांप निकल जाए बाद में, है ना, ये चीज होना चाहिए, हमें नहीं पता है ना। अब पता लग रहा है कि यहाँ पे रस्सी है, दो तीन बार पीट देंगे, उछल थोड़े जाएगा, तो तैयार रहना है थोड़ा ज्यादा। जब हमें नहीं पता है कि सामने वाला क्या हमारे ऊपर बॉल थ्रो करने जा रहा है, इट इज लाइक कि लास्ट ओवर में 10 रन मारना है, अब यॉर्कर आएगा कि बाउंसर आएगा पता नहीं है, तो बैट रेडी तो रखना पड़ेगा भाई, कि चाहे जैसे आए घुमा देंगे। हम थोड़ा बता रहे हैं, दो तीन, देखो तुम लोगों के लिए भी मैं हमेशा एक चीज अभी वेलकम करता हूं, 5 दिन का समय है अभी, 5-7 दिन का, ऐसे ऐसे 20 दिन चलेगा, या 5-7 दिन में जितना मुहावरा ढूंढ सकता है मम्मी पापा से पूछ के,
क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बिहार के मुहावरे नहीं आते हैं, मेरी जो परवरिश हुई है। लेकिन मैं फिर भी एक बात मान के चलता हूं कि अगर मगही भाषा में या भोजपुरी भाषा में कुछ लिखेगा उसका अर्थ हम समझ जाएंगे। और बात यहां पे ये है, मुहावरे अनेक हो सकते हैं पर वैल्यूज सेम रहेंगे। हा? अगर मैं बोलूं जैसे उन्होंने बोला भोजगरी कोरा, अगर हम लोग मान के चलते क्या बरखा जब कृषि सुखाने, एक ही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि उन दोनों का मूल्य में क्या है, टाइम मैनेजमेंट, या फिर बोल देगा करत करत अभ्यास बोलो या फिर निरंतरता बोलो या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोल लो, जो बोलना है बोल लो, मूल्य जो है ना उनको करके चलो। अगर जड़ को पकड़ लोगे तो पत्तों में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं हमेशा यही बोलता हूं। और समस्याएं दुनिया में कम है, समस्याओं का सल्यूशन भी दुनिया में कम है, और वैल्यू सिस्टम, अच्छाइयाँ भी कम हैं, बुराइयाँ भी कम हैं, रूप उनके अलग अलग हो सकते हैं, उनकी व्याख्या अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में अलग अलग हो सकती है, पर वो सारी चीज़ें सीमित हैं। दुनिया भर में एक ही चीज़ का दिक्कत है अभी चल रहा, राजनीति में आओगे तो पावर को छोड़ के और कोई समस्या नहीं है, शक्ति का संघर्ष ही राजनीति है। अब इसका जो डेफिनेशन बना लो, पंचायत चुनाव से लेकर के यूएन के रिफॉर्म तक बना लो, बात तो वही है। तो उसी को पकड़ो ना, शक्ति को समझ लो, और मुद्दे तुम्हें जीएस में तुम्हें पता है, रिलेट करना तुम्हें मैं बता दूंगा, हो जाएगा उसके बाद तैयार, ठीक है। तो थोड़ा सा यही है कि जो काम दिया जाए उसको अभी कर लीजिएगा अच्छे से। पर्सनैलिटीज ऑफ बिहार देख लेंगे, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो है idioms and phrases of बिहार में, जैसे एक दो हमें याद है, कभी कभी सुना था क्या उसको बोलते हैं, एक था धोबी से पार ना पावे गधे के कान उमेठे। हाँ, आप दे, जिसको देना है आप एक बार दे सकते हैं, ठीक है। आज लिस्ट बना करके सब लोग अपना मुहावरा में एक एक पेटी बनाते हैं, उसमें उसमें सब कोई डाल देगा आज कि सर ये है, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करके थोड़ा बहुत देखेंगे, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू वाला बेस थीम वाला आया ना मुहावरा, क्योंकि हमें भी, मैं भी बहुत अर्बन बैकग्राउंड से रहा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा मुहावरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं आते हैं। लेकिन मुझे अभी भी इतना विश्वास जरूर है कि हम बिहार के मुहावरे पकड़ने जाएंगे तो 20 दिन का समय है, उसमें मुहावरे पकड़ते रह जाएंगे, ठीक है। इतना कुछ तो पढ़ना है। उसके बाद सोशल चैलेंजेस ऑफ बिहार, सामाजिक प्रॉब्लम्स जो हैं, हो सकता है, क्योंकि ये तो एक बात हो गई ना, सोशल चैलेंजेस भी देख लेंगे कि सामाजिक, जैसे एक तरफ डाउरी सिस्टम की बात कर लो, दूसरी तरफ जातीय वर्चस्व की बात कर लो, तीसरे तरफ अगर बिहार में तुम बात करने जाओ तो सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई कुछ मुद्दे हो सकते हैं, फिर जात पात से वाला जो होता है वो वाला छुआछूत, वो वाला मुद्दा हो सकता है, फिर अशिक्षा एक मुद्दा बड़ा मुद्दा हो सकता है, महिलाओं के जो शोषण का इश्यू है वो हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, तो इन सारी चीजों को थोड़ा बहुत देख लेंगे। ग्रेवी सेम रहेगी चाहे पनीर जाएगा या चिकन जाएगा, पनीर और चिकन पॉइंट्स है, ग्रेवी लिखने का तरीका है वो सेम रहता है, ठीक है। और साइंस और इनोवेशन और एनवायरमेंट ऑफ बिहार पे भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। बिहार में अगर साइंस की बात करेंगे तो कहानी की शुरुआत कहां से करेंगे, बिहार में साइंस की बात करोगे तो कहानी की शुरुआत कहां से होगी, एंशियंट इंडिया में कहां से, कौन आदमी से, आर्यभट्ट सर पहले कोई नहीं था, हाँ जीवक से शुरू करो, हाँ, और खत्म कहां करोगे, वशिष्ठ नारायण तक कर सकते हो, आनंद सर को इंक्लूड कर सकते हो, हाँ इन लोगों को इंक्लूड करेंगे तभी वहां से वहां तक का सफर तय करेंगे। मैं तो जब ये सब सोच रहा था तब मैं एलएस कॉलेज को भी इंक्लूड कर दिया था, लेकिन फिर मैंने हटा दिया जब पता चला कि फेक न्यूज हो गया, बेचारा वो फेक न्यूज कितने लोगों का एक नंबर से वो प्रीटी रोक दिया है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जिनका सबने पढ़ा था उसको, और एक नंबर से लोगों का पीटी रुका है वो एक फेक न्यूज की वजह से, ओके ठीक है। अब समझ में आ गया बच्चे यहां तक कैसे करना है, अब आते हैं काम की बात देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि इतने टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे,
उतना ही कर लेंगे तो लास्ट तक उतना ही पे चले जाना है, ठीक है। अब है कि ऐसे कैसे लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं बात। इसको बोलते हैं ऐसे एल्गोरिदम, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। जैसे मैं पानी ले आऊँ, एक मिनट मुकेश जी। सबसे पहला तरीका होता है सही ऐसे चुनने का। अब मैं आपको सही ऐसे चुनने का एक तरीका बताता हूँ। जैसा आप रुकिए यहीं पे, यहाँ थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप साथ में मेरे। आप लोग एक काम करेंगे, एक टेबल बनाएंगे मेरे साथ, ठीक है। मान लेते हैं कि चार टॉपिक था ना, चार टॉपिक था एसे का, तो एक दो तीन और चार। आपको क्या करना है कि आपको अपने आप से टॉपिक वन है, टू है, थ्री है और फोर है, इन सारे चार ही टॉपिक्स में खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। टॉपिक देखने के बाद जब इन चार में से किसी एक को चुनना है हमको लिखने के लिए, तो खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। वो सवाल क्या है मैं बताता हूँ। जो सवाल है ना यहाँ पे, वो ये है सबसे पहला कि जो टॉपिक आप देखने जा रहे हैं, क्या आपने उसे समझा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, इंग्लिश में लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अब मैं आपको ये प्रश्न पहले पूछना है खुद से, और उसके बाद में यही प्रश्न टॉपिक वन के लिए पूछना है, टू के लिए पूछना है, थ्री के लिए पूछना है और फोर के लिए पूछना है, और इसके आंसर के बेसिस पे अपनी रेटिंग देनी है, हर टॉपिक में मार्क्स अपॉइंट करने हैं। जैसे तुम एग्जांपल समझने की कोशिश करो, अगर मैं तुमसे पूछूं, दो सवाल देता हूं। पहला क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। और दूसरा तुम्हारे को मैं एक क्वेश्चन देता हूं, लिखना नहीं है, समझने के लिए देखो। पहला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और दूसरा है पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये यूपीएससी में अभी मैं जो दे रहा था मेंस, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। अभी बताओ कि कौन सा टॉपिक समझ में आया। दोनों को मैं बोलता हूँ, हिंदी इंग्लिश में लगभग लगभग इतना तो लैंग्वेज जान ही रहे हो, तो कौन सा समझ में आया? ऑनेस्टी वाले को कितना पॉइंट देंगे अगर 0 से 9 के बीच में नंबर देना है तो? हाँ, 8 देंगे। और अगर चलो ये क्वेश्चन इसमें साथ में रहता, अहिंसा परमो धर्म, इसको कितना देते? 9। टॉपिक की समझ जिसको है, ये अपने अपने हिसाब से होगा, ये बिल्कुल तुम्हारा पर्सनल है। तो ये अगर किसी को लग रहा है इसमें 9 देंगे, किसी को लग रहा है इसको 8 देंगे, किसी को लग रहा है इसको 7 देंगे, समझ के ऊपर में पहला बात। इसी तरीके से दूसरा काम इसमें करना है, क्या क्या आपने इसे समझा? दूसरी बात, क्या आपने इसे पहले लिखा है, मतलब ऑनेस्टी पे लिखा है क्या इस थीम पे पहले, ठीक है। अगर लिखा होगा और उसके बाद लिखा है से बाद में इसी में जोड़ना है,
सीखा है। सीखा है कहने का मतलब क्लास में हुआ था, आपने आंसर अपने से उस पर टॉपिक पे नहीं लिखा है बट क्लास में हुआ था आपके पास में, यानी कि इससे समझदारी ज्यादा होगी इस टॉपिक पे। या इससे मिला था कहीं पे या फिर कुछ भी, क्या आपने पढ़ा है। प्रायोरिटी के घटते हुए ऑर्डर में इन तीनों को देखो। अगर लिखा है तो सबसे ज्यादा राइट करो उसको, उसके बाद अगर पहले सीखा है टीचर से तो उसके बाद उसको रेट करो, मान ले 6 दे देंगे उसको अगर सीखा है तो, और तीसरा अगर पढ़ा है तो 4 देंगे, और वो भी नहीं किया है तो और नीचे जाएंगे। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम मान के चलते हैं ये वाला तुमको क्लास में करा दिया गया होगा, अगर तुमने खुद लिख लिया तो 8 मार्क्स दे लोगे, नहीं लिखा है 8 दे लोगे, 9 दे लोगे कॉन्फिडेंस के ऊपर में, अदरवाइज 6-7 दे लोगे। और इसमें बहुत ऑनेस्ट रहना है। इसी तरीके से आपको इसमें भी आपने दिया, चारों को आपने रेटिंग कर ली फटाफट तुरंत एक बार में, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उस समय इतना रेटिंग नहीं करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, आपके मन में ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, बस आप एक बार लिख लिया इसमें, अच्छा ठीक है पहले लिखा था तो हाँ लिखा था, बहुत ज़्यादा लिखा था, उसके बाद सोचा था, उसके बाद 9-8-7 ऐसे करके तुरंत मार्क्स लिखे और एक मिनट के अंदर में टॉपिक डिसाइड कर लिया कि लिखना किस में है। दो क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछना है, इसके लिए इंग्लिश में लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, नॉर्मल बातें हैं। तीसरा ये है, और इसमें चारों ही टॉपिक में मार्क्स देंगे। तीसरा बात ये होगा कि क्या ये आपके ऑप्शनल के करीब है, मतलब अब तो ऑप्शनल हट गया बट यूपीएससी में ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है, बट आज भी ऑप्शनल कुछ तो कुछ होगा, पढ़ा तो होगा सबने जो भी मेंस लिखे हैं, कोई तो ऑप्शनल सोच रखे होगे। जब हमारे ऑप्शनल के कोई सब्जेक्ट करीब होता है तो हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सोच सकते हैं उसके लिए। जैसे अगर ज्योग्राफी किसी का ऑप्शनल है और उसको पर्यावरण पे लिखना हो तो ज़्यादा अच्छा फील करेगा, किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो संस्कृति से जुड़ा हुआ टॉपिक, कल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक लिखने में उसको ही विल फील मोर कंफर्टेबल इन दैट। ओके, तो इस चीज़ को हमको यहाँ पे देखना होगा कि क्या यह आपके ऑप्शनल के करीब है। और इसी तरह से चौथी बात जो आपको पूछना होगा, क्या आप इसके बारे में 4 आर्ग्यूमेंट्स पॉजिटिव में, 4 तथ्य पॉजिटिव में, 4 तथ्य इसके अगेंस्ट, 4 एग्जाम्पल्स, कोई कोटेशन पॉजिटिव में पॉइंट्स, नेगेटिव में पॉइंट्स, कोटेशन, 4 एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में भी कुछ एग्जाम्पल इंडिया के, कुछ एग्जाम्पल वर्ल्ड के। मैं देखूंगा कि एग्जाम्पल्स किन किन डायमेंशन से लिए जाते हैं, उन डायमेंशन में सोच पा रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर मैं ऑनेस्टी की बात करूं तो ऑनेस्टी में अब तुम सोचो, क्या तुम्हारे पास एग्जाम्पल है ऑनेस्टी को बात बताने के लिए, क्योंकि बोल बच्चन तो सिर्फ करना नहीं, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना उसमें, तो ऑनेस्टी के लिए कैसे एग्जाम्पल्स क्या सोचेंगे। तो हमको सोचना पड़ेगा, अच्छा ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑनेस्टी, हरिश्चंद्र का नाम लिख सकते हैं ऑनेस्टी के लिए, गांधी जी का बात कर सकते हैं ऑनेस्टी में, और कौन सा ऑनेस्टी का बात आ जाएगा, तो हाँ ऑनेस्टी के लिए अगर बात करना चाहें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो एक दिमाग में आ रहा है। इसी तरीके से हमको हाँ दे सकते, अभी आएंगे 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 थोड़ा सा। हाँ मैंने कहने का मतलब अभी ये है कि 4 एग्जाम्पल सोच सकते हैं, हम बताएंगे पॉइंट जनरेट कहाँ से करना है, बस थोड़ा सा इतनी सा धीरज, और आज से कल तक में सब क्लियर हो जाएगा कैसे लिखना है। तो इस तरीके से जब हम आर्ग्यूमेंट्स, 4 आर्ग्यूमेंट अगर सोच पा रहे हैं, एग्जाम्पल सोच पा रहे हैं, तो हो गया फिर लिख लिया आंसर, सोचना ही नहीं पड़ेगा फिर इसके बाद में। अब तुम सोचो वापस से यहाँ आओ, अभी तक इन तीनों में अगर क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास रहता, ये 3 क्वेश्चन होते और नॉर्मल तुम एग्जाम हॉल में जा रहे होते तो तुम डिलेमा में फंसते, इस वाले के को लेकर के नहीं, ये तो पहले रिजेक्ट हो गया था तुमसे एग्जामिनर को भी पता है कि रिजेक्ट होने वाला है, ठीक है, वो इन दोनों में तुमको फंसा के छोड़ देगा। अब तुम्हारे पास में डिटा, तुमको मतलब पता है लगभग समान तरीके से, मतलब पता है क्लास में भी हुआ था, क्या एग्जाम्पल याद आ रहा है,
क्या कोटेशन याद आ रहा है, किस पे याद आ रहा है, उसके बेसिस पे मार्किंग होगी। अब समझ में आया? और कौन सा तुम्हारे ऑप्शनल के करीब है, ये तुमको फैमिलियरिटी करा देगा, ताकि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं भी रहेगा, सात पन्ने लिख के आओगे आराम से। एक सही ऑप्शनल, ये एसे का सही ऑप्शन का चयन आपके 40% मार्क्स बढ़ा सकता है और 40% मार्क्स घटा सकता है, जितना आप स्कोर कर सकते थे। अगर ये वाला इसी समय ये वाला चुन लिया होता कि सब तो यही दोनों पे लिखेगा, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ना कुछ अलग कर लेता हूं, तो एक ही मात्र एग्जाम्पल आपका जाएगा, मतलब एक ही आपका एसे जाएगा और खूब चाव से पढ़ा जाएगा और खूब चाव से गलतियां निकाली जाएंगी उसमें। तो भीड़ से अलग नहीं रहना है। मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी ये रेस नहीं है जिसमें 1-2-3 होगा, ये रेस है जिसमें एक टाइम लिमिट के अंदर में जितने लोगों को आना है उतने लोगों को चुना ही जाएगा। तो जो बाकी लोग कर रहे हैं ना, जैसे दरोगा का दौर होता है, सिपाही का दौर होता है, तो एक टाइम में सबको पहुंच जाना है, जितने लोग पहुंचेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस टाइम में पहुंचना है, यानी कि उतना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेना है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिल्कुल नहीं बनना, ठीक है, पहचान में बिल्कुल नहीं आना कि अच्छा हमको सिखा रहा है, वो नहीं, वो काम नहीं करना, ठीक है ना। ऑप्शनल के करीब है। और ये चौथा वाला जो हमने यहां लिख दिया, इसको इलैबोरेट करके, तो चार पॉजिटिव बातें, चार नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स में, जैसे ऑनेस्टी के अगेंस्ट में निगेटिव आर्ग्यूमेंट कहने का मतलब हम ये से समझेंगे कि कुछ लोग आज के डेट में ऑनेस्टी को व्यवहारिक नहीं मानते हैं, दे डोंट कंसिडर ऑनेस्टी एज अ प्रैक्टिकल पॉलिसी एंड दे गिव दीज पॉइंट्स एज देयर आर्ग्यूमेंट्स। तो ऐसे हमें कुछ तो पता रहे, अगर हम सोच पा रहे हैं तो हम लिखेंगे। अभी थोड़ा सा इलैबोरेटेड लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप ये काम करेंगे ना, थोड़ा प्रैक्टिस करके 20 दिनों में आपको लाइक 2 मिनट लगेंगे सही ऑप्शन चुनने में। तो 2 मिनट मार्क्स अगर 10% भी बढ़ा देता है, चलो 40% नहीं, 10% 15% का ही खेल होगा, क्योंकि दो ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर लोगे। वो लिखने के लिए भी देखना हमेशा 4 में से 2 ही देता है लिखने वाला, 2 छोड़ देता है बस ऐसे ही, भर देना है उसको खाना तो। और वो अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारे पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे ना उतना कन्फ्यूज़न बढ़ता है। अच्छी बात है कि ऑप्शनल ऑप्शंस कम रहे, हार्ड क्वेश्चन है मान के चलो, अच्छा है कि चलो वो तो एलिमिनेट हुआ, उसमें जाना नहीं है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। अब क्लियर है ऑप्शन कैसे चुनेंगे एग्जाम हॉल के अंदर में। अब इन चारों के बेसिस पे जो भी टॉपिक्स होंगे इनको चुन लेना है अपना। यहाँ पे सबके मार्क्स आ जाएंगे चार कैटेगरी के बेसिस पे, और उसको कैलकुलेट कर लीजिए। आ रहे हैं बच्चा, थोड़ा सा सब वर्ड भी तो बताएंगे ही ना, दिखोगे किस में फिर, है ना। अभी अब ये सीख लिया ना, ये वाला काम सब अभी नहीं सीखना है, थोड़ा थोड़ा वेट करो, 20 दिन टाइम है। जब पहले बैच लॉन्च किए थे तो आया ही नहीं उस समय आता तो और जल्दी जल्दी सीख लेता, मतलब आराम से सीखता। मैं बोल रहा था, मेरे को रगड़ के गाली दिया सब YouTube पे कि 110 आएगा, हम के बेटे देख लेते हैं हम भी, कुछ दिनों का हमारा भी तो अनुभव होगा, ठीक है। तो कोई बोल रहा 115 आएगा, पिछले बार कट ऑफ इतना गया था, इतना कम कैसे होगा, मतलब वो खेल दूसरा था भाई, ये खेल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, चेयरमैन दूसरा था, ये चेयरमैन दूसरा है। तो सेम चीज मत सोचो। और अभी भी मैं बोल रहा हूं, इसमें अपने मन से ये नहीं सोचा कि 170 नहीं आया तो ऐसे में क्या हाल होगा, अरे देख तो लो सामने वाले को कितना दे रहा है, या 200 लाना ही है ऐसे में, देख तो लो दे भी रहा है 130 से ऊपर की नहीं दे रहा है, चिंता नहीं करना है, कंपटीशन तो है ही ना, अभी तक पार कर गया ना उतना को, अब 10 में से 3 आदमी में आ जाओ पहले। हाँ ठीक है, तो क्या किया जाए बताओ, हाँ नहीं बताओ हमको कि क्या करें हम, बताओ। अगर कंपटीशन है, यूपीएससी का लड़का भी है, हो सकता है कि ऑफिसर लोग भी बैठा हुआ होगा, बहुत सारा सब कुछ है, क्या करें। हाँ हाँ टाइम कॉन्स्टेंट भी समझ रहे हैं हम,
न्याय अन्याय का बात संसद में करना है। हाँ तो हाँ तो थोड़े ना ये सोच के जा रहा है कि नया स्टूडेंट को हमको बढ़िया करना है, उसको 300 वैकेंसी फिल करना है, उसके एंड से सोचो ना भाई, वो तुम्हारे लिए थोड़ी एग्जाम कंडक्ट कराता है। एग्जामिनेशन इज नॉट सिलेक्शन प्रोसेस, इज रिजेक्शन प्रोसेस। नया अच्छा चलो छाटो इसको, पढ़ा नहीं है तो अभी अगला बार देगा, अगला बार और मजबूत होकर आना, बोलेगा जाओ अगली बार आ जाना मजबूत होकर। अब कुछ लोग ये तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब सोचना छोड़ दो, अब मर्सी का उम्मीद कॉम्पिटिशन में बिल्कुल मत करना। या तो गला कटेगा या सांस रहेगी, दो ही चीज़ है, ठीक है। वेंटिलेटर पे नहीं जिंदगी चलती है कॉम्पिटिशन में। तो बी द ट्राई टू बी द बेस्ट पॉसिबल बेस्ट ऑफ योरसेल्फ इन दीज 20 डेज। फिर से समझो, ट्राई टू बी द बेस्ट पॉसिबल बेस्ट ऑफ योरसेल्फ इन दीज 20 डेज। अपने सबसे बेहतरीन जो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने आप का सबसे बेहतरीन बनने का इन 20 दिनों में ये कोशिश करना है। अपना बेस्ट 20 दिनों में कोई नहीं बन सकता है, लेकिन अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट जरूर देंगे, दैट्स इट। इसीलिए गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम कर लो 20 दिनों में, होना होगा होगा, नहीं होगा तो मजबूत होंगे, अगली बार देंगे, सीखेंगे यहां से। फाइनल सिलेक्शन लेके जाना है, 68 भी आएगा, 69 भी आएगा, 70 भी आएगा फाइनली, लेकिन बन के ही निकलेंगे यहां से, ये प्रण लेकर जाओ। कितना बार हमारा पीठ ठोक के भेजेगा वापस से, किसी दिन मजबूत हो जाएगा, पार हो जाएंगे, इतना क्या सोचना है जी। कॉम्पिटिशन है, न्याय अन्याय ये सब नहीं चलता है। युद्ध भूमि में या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे, दो ही बात है, तीसरा कुछ होता नहीं है फिर। चलो इतना मतलब हम जनरली यही मान के चलते हैं कि कॉम्पिटिशन में हम, और मर्सी का उम्मीद करें किससे, उनसे जो कतक करोड़ों में हमारी जिंदगी की सौदेबाजी कर रहे थे, हाँ उनसे करोगे कि नया बच्चा है कुछ सोचा नहीं उनके बारे में। नहीं दोस्त, अब देखो पहली बात मैंने ये समझ में आया, एसे एल्गोरिदम का पहला स्टेप समझ में आ गया, कैसे लिखते हैं एसे को, सही टॉपिक कैसे चुनना है। पहली बात ये सीखने के बाद आपको दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है ना, और वो यही अभी तुरंत सीखेंगे, सेंट्रल थीम टॉपिक का सीखो, समझो और उसको पिक करो। सेंट्रल थीम मतलब वो केंद्रीय विषय वस्तु। एसे में मार्क्स मिलता है उनको जो डेविएट नहीं होते हैं सेंट्रल थीम से। यूपीएससी सेज वन थिंग कि एक्स्ट्रा क्रेडिट शैल बी अवॉर्डेड टू दोज एसेज वेयर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन इज गिवन। तो इफेक्टिव रखना है, एग्जैक्ट रखना है, कंसाइज रखना है, लेकिन इफेक्टिव और एग्जैक्ट किसका, सेंट्रल थीम का। अब एक लाइन का ऐसे है ना टॉपिक, तो एक लाइन थीम नहीं होता है, उसका केंद्र पकड़ना है हमको। सीधे पॉइंट की बात करो, पेरिफेरी में मतलब बोलते हैं ना कि कोने कोने में, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है। झाड़ी में सांप है तो झाड़ी में सांप ढूंढ के मारो, झाड़ी पीटने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो बीटिंग अराउंड द बुश करने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको समझते हैं, ये तो क्या बोल बच्चन रह जाएगा अगर हम जब यही ऐसे में भी कर रहे हैं, बता के आगे नहीं बढ़ना है, एग्जाम्पल से बताइए उसको। ऐसे भी यही चीज है ना कि अब जैसे मैंने एक बात कही, अब उसको हम एग्जाम्पल से तुम्हें बता रहे हैं कि देखो ऐसे सेंट्रल थीम ये होता है, इसको पकड़ते ऐसे हैं। यही काम ऐसे में भी करना, कोई बात कहना तो एग्जाम्पल जरूर देना। अब देखो पहला चीज है, एक ऐसे लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं चार ऐसे लिखता हूं एक साथ। पहले ईमानदारी, जिसको हिंदी में लिखना है अगर समझने के लिए अपना केंद्रीय बिंदु के लिए, तो एक बार लिखते चलो, मैं बोलता चला जाऊंगा क्योंकि एक लैंग्वेज में लिखूंगा दूसरा डिक्टेट करूंगा हमेशा। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, पहली बात ये हो गई, ये है पहला। दूसरा बात आपको ऐसे में देता हूं, बिहार भारत का कंठहार, बिहार द नेकलेस ऑफ इंडिया, बिहार द नेकलेस ऑफ इंडिया, बिहार भारत का कंठहार।
सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। ठीक है, तीन हो गया, चौथा एक लिखो। अच्छा, सत्य पे तो एक हो ही गया, दूसरा आपको एक थीम बताता हूँ, उस पे लिखो। इंग्लिश में लिखिए विमेन, विमेन द पावर सोर्स या मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर, जो लिखना चाहो, विमेन द मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। बस ये चार टॉपिक है, इसका सेंट्रल थीम मुझे थोड़ा बताने की कोशिश करो, फिर हम लोग बातचीत में सेंट्रल थीम तक अराइव करने की कोशिश करेंगे। सबका थोड़ा अलग हो सकता है, बट देन अगेन एक जनरल आइडिया बताओ। पहले इसकी बात करते हैं, इसका सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम हो गया ऑनेस्टी, ईमानदारी। और ईमानदारी में ये सेंट्रल थीम जब बताने का मतलब ये होता है कि यहां से फिर एक डायरेक्शन बताओ कि तुम्हारा ऐसे का फ्लो कहां से किधर रहेगा, एक डायरेक्शन थोड़ा सा यहीं से आगे बताओ। तो ऑनेस्टी को किस तरह देखना है? एज बेस्ट पॉलिसी, ये है एसे का, ये थीम हुआ, ये पूरे एसे का इंटरप्रिटेशन हुआ, मतलब एसे की व्याख्या हुई तुम्हारे लिए, निबंध की। ये थीम हुआ ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी को किस डायरेक्शन में एसे में लेके जाओगे? बेस्ट पॉलिसी, यानी ऑनेस्टी को जीवन में एक नीति की तरह से देखना, या समाज में एक नीति की तरह से देखना, यानी कि एक नीति की तरह से ईमानदारी को देखना, ये फ्लो है। और इसी डायमेंशन में अगर हम एसे लिखेंगे तो हमारा एसे जो होगा वो टॉपिक का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा, जो पूछा सटीक व्याख्या होगी, और तब हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उनसे जो ईमानदारी पे कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक में क्या है? बिहार भारत का कंठहार, इसमें सेंट्रल थीम क्या है? तो बहुत सिंपल है, आगे बताओ, डायरेक्शन बताओ, अब लिखेंगे क्या बिहार पे, किस तरह कंठहार बिहार, और डायरेक्शन में कंठहार लिखोगे? कंट्री सोचो, पहले सोच लो, सोच लो, सब कोई सोचो और मुझे बताओ। हाँ, आप बोलिए। इंपॉर्टेंस ऑफ, मेरे बिहार का महत्व भारत के लिए, अच्छा एक बात, दूसरा और किसी को कुछ कहना, सोचते रहो तब तक तुम लोग। हम डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब बस बता दो। एक बोल रहा है बिहार का योगदान, और कंठहार किसका है? बिहार भा, अच्छा कंठहार का क्या मतलब होता है? कंठहार क्या होता है पहले ये तो बताओ। हाँ, तो शोभनीय या फिर सबसे, अच्छा एक है कंठहार, शोभनीय होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता, और बताओ, एक ही बात हो गई, अट्रैक्शन, ग्लोरिफिकेशन, और आगे चलो ना थोड़ा सा, प्रीशियस, सबसे महंगा शरीर में जो आभूषण होता है वो यही तो होता है, नेकलेस। हमको कंठहार पहले बताइए, अगर कंठहार समझ गए तो ये टॉपिक क्लियर है, वहीं पे प्रीशियस हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट होगा जो आपने अभी बोला किसी ने, इंपॉर्टेंस, महत्व, और शोभा की वस्तु किसी ने बोला, और कुछ कहना है किन्हीं को? अरे यार ठीक है, अब हो गया, अब समझते हैं इसी चीज को थोड़ा सा, आप तीनों, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा सा, अब देखिए यहां से इंप्रूव आपको कैसे करना है। अब इसको समझिए ऐसे, कंठहार जो होता है ना, पहली बात ये होती है कि इट इज द मोस्ट प्रीसियस थिंग आवर नेकलेस, ठीक है,
तो बिहार जो है भारत का सबसे प्रीशियस खजाना के रूप में देखना है बिहार को, ये एक डायमेंशन पकड़ के चलो, एक तरीका है फ्लो, एक ये होगा। दूसरा फ्लो ये होता है, कंठहार क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो बिहार जो होता है पूरे भारत का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इस डायरेक्शन में लेके चलो, एक ये फ्लो होगा। तीसरा फ्लो क्या होगा इसका, कि कंठहार सबसे पहली नजर कहां पड़ती है, कंठहार पे पड़ती है। तो पूरे भारत का जो सबसे बेहतरीन चीज जिसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो बिहार इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अब वो सब आपको आपके पास पॉइंट है, मैं पॉइंट में जा ही नहीं रहा अभी, मैं बस आपको मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पूछ क्या रहा है। अगर ये क्लियर हो गया ना तो बहुत सिंपल है ऐसे पढ़ना और ऐसे लिखना, कि मैं मतलब पता चलना चाहिए पूछ क्या रहा है एग्जाम। तो अब इसको थोड़ा सा ये हो गया ना, इसको मिटा करके यहां बिहार के लिए सोचते हैं थोड़ा सा। तो बिहार भारत का प्रतिनिधित्व, बिहार, अच्छा हमें सबसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा किसे शो ऑफ करते हैं, महिलाएं जो पहनती होंगी तो उन्हें पता होगा, हाँ हम लोग के गर्दन में कोई हाथ भी डालते पाउडर बहुत बहुत निकल सकता है और कुछ नहीं निकलेगा मेरे पर्सनली, ठीक है और कुछ नहीं। तो भारत अपने आप का जो अपना जो सबसे चीज है जिसको शोकेस करता है बाहर में, तो इंडिया शोकेस करता है बिहार को, और वो कैसे करता है वो बताना है। तो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट्स इंडिया। दूसरा रिप्रेजेंट्स इंडिया, दूसरी बात कि भारत में चार चांद लगाता है कोई तो बिहार लगाता है, इट ग्लोरीफाइज इंडिया, ग्लोरीफाइज इंडिया, चार चांद लगाना, महिमा मंडन करना भारत का ये, या इट ब्यूटीफाइज इंडिया। अब कैसे ब्यूटीफाई करेगा वो आपको समझना है, समझाना है, लेकिन ये दूसरा डायमेंशन हो गया जिसको आपको देखना है। तीसरी चीज, कंठहार इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वही मैं फिर बोलूंगा कि अब जब इंपॉर्टेंस पे आएंगे ना स्लाइड डेविएशन होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन देखिए अब आप समझने की कोशिश कीजिए, स्लाइट डेविएशन होगा। नहीं तो हम सीधा कह सकते थे बिहार भारत का गौरव, बट हमने नहीं कहा। तो थोड़ा थोड़ा बारीकी अगर हम पकड़ते चले, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होगा, नंबर अच्छे मिलेंगे, बट अगर आप इन दोनों डायमेंशन से किसी एक को भी आप पकड़ के चलिए, इन दोनों फ्लो में से आप एग्जैक्ट पहुंचेंगे, ज्यादा करीब पहुंचेंगे उसके। ऐसे एग्जैक्ट तो कुछ होता नहीं है ऐसे में, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखने की कोशिश, समझ गए ये वाला चीज। कुछ नया सीखने को मिला, कैसे सेंट्रल थीम पकड़ते हैं, तो तीसरे वाले का थीम पकड़ के बताओ। पहली बात तो बताओ सेंट्रल थीम क्या है, फिर बताओ इसका फ्लो कैसा है, क्या है। ट्रूथ, ठीक है आगे बताइए, जो लोग ट्रूथ बोल रहे हैं। सत्य का फ्लो किस तरफ लेके जाएंगे, विक्ट्री किस तरह से, विक्ट्री तो ठीक है सत्य है और जीत कर दिया, ट्रूथ है एंड विक्ट्री है, और इसका रिलेशन कैसे करेंगे। हाँ फिर, हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और मेरे को बताओ, तुम लोग एक पॉइंट मिस कर रहे हो, ट्रूथ बताया तुमने, विक्ट्री बताया, हाँ वो मीडियम जो है ना उसमें एक चीज बताइए, एक चीज जो छूट रहा है, जिस वर्ड को आपने छोड़ा है, फिर से ऐसे का टॉपिक देखो। हाँ ही, सिर्फ सत्य की जीत होती है। जब ये मिसिंग होगा ना आंसर इनकम्प्लीट जाएगा। सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स,
सत्य की जीत होती है तो ऑस्ट्रेलिया की भी जीत होती है, बांग्लादेश की भी जीत हो सकती है। सिर्फ सत्य की ही जीत होगी, बाकी किसी की भी जीत नहीं हो सकती। ये टॉपिक का एम्फेसिस है, इसको नहीं भूलना है हमको, ठीक है? समझ आ गया? ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। अब लिखने की जब आप बात करोगे तो आप बताएंगे कि भाई जहां जहां भी हमें लगता है कि असत्य का जीत हो रहा है या फिर बुराई की जीत हो रही है, तो ये बस आप समझ लीजिए कि ये क्षण भंगुर है। इट इज जस्ट एफेमरल। अल्टीमेटली ओनली थिंग दैट विल विन इज ट्रूथ। और फिर बताइए, ऑल दैट हैज बीन विक्टोरियस थ्रू आउट हिस्ट्री, जो भी चीज आज तक इतिहास में विजय हुई है, सिर्फ और सिर्फ वो सत्य रही है। इसको इस सेंस में देखिए, विजय अलेक्जेंडर की नहीं हुई थी, विजय बुद्ध की हुई थी, विजय अशोक की हुई थी, विजय उनकी नहीं हुई थी जिन्होंने जीसस को सूली पे चढ़ाया था, विजय जीसस की हुई थी, विजय उनकी नहीं हुई थी जिन्होंने दूसरे देशों पे आकर के उन्हें पदाक्रांत किया था, उनको कॉलोनाइज किया था, विजय गांधी की हुई थी और मंडेला की हुई थी। तो उसको विजय नहीं हम समझ सकते। और आज भी आप बताएं, आज भी अगर लग रहा है कि कुछ भ्रष्टाचारी या कुछ वैसे लोग जिन्हें पावर में नहीं होना चाहिए, एंड इफ दे आर कमांडिंग द पावर, देन यू हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि इट इज जस्ट दैट फेज जब रावण थोड़े दिन के लिए लंका का राजा रहा था। विजय कभी भी रावण की नहीं हो सकती थी। जो भी वो विजय दिख रही थी वो कंटिन्यूटी में थी, जो लेकिन अंतिम परिणाम हमेशा राम की जीत में ही हुआ है, ठीक है? तो इस थीम में लेके चले हम, बताएंगे आगे इसको कैसे लिखना है। इसमें बताइए, नारी शक्ति स्वरूपा, हाँ, माँ के बेलन से लेकर के कंगना रनौत के ट्वीट तक शक्ति का जो प्रदर्शन हो रहा है, तो उसमें विमेन है, चाहे लक्ष्मी बाई रही हो या हमारी बहनें रही हो घर पे, तो आप देख सकते हैं पुरुष प्रताड़ित होता रहा है घरों में। कभी आइए हमारे घर में देखने को मिलेगा प्रताड़ित कौन होता है, ठीक है? बट देन अगेन यू हैव टू थिंक ऑन दीज, थोड़ा सीरियस नोट पे देखें, कभी भी विमेन जो है शक्ति का जो स्वरूप अगर है तो विमेन है, एज एन इंस्पिरेशन प्रेरणा है कभी। खैर वो तो हम आएंगे टॉपिक पे, पहले मुझे ये बताओ कि इसका फ्लो कैसे होगा। नारी को यानी विमेन को हमको किस डायरेक्शन में देखना है, किधर देखना है? विमेन को एज पावर देखना है। और दूसरी बात हमें ये भी, विमेन और पावर का रिलेशन इनफैक्ट बताना है हमें, सिंबल ऑफ पावर देखना है, विमेन को पावर के रूप में बताना है, और जहां विमेन के पास पावर नहीं उसको एम्पावर करने की बात कहनी है। तो विमेन का सारा डायमेंशन फिर हमको नहीं बताना कि औरत के साथ डॉरी होता है, सती होता है, इस तरह से हमें नहीं, हमें हमेशा इस डायरेक्शन को ही लेकर चलना है, विमेन और शक्ति है वो, और आगे विमेन को शक्ति बनाना है, अगर नहीं है तो उसको सशक्त करना है जहां कमी है, इस डायरेक्शन को लेके चलेंगे तो होगा अच्छा। समझ में आया? ये चारों टॉपिक्स कैसे लिखते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं इस एल्गोरिथम में। मैं क्या करूंगा, थोड़ा पुराना भी वीडियोस जो है इसके ऊपर में थोड़ा डिटेल में उसमें समझाया हुआ है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा जहां जो चीज को समझने में दिक्कत होगा। तो पिक द सेंट्रल थीम, समझ में आ गया? अब बात करते हैं डायमेंशंस कैसे खोलते हैं। ये चीज अगर हम सीख गए ना, कल हो करके तुम्हारे पास ये सोचने में वक्त नहीं देना होगा तुम्हें, अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो, कि इसमें क्या लिखें। अगर टॉपिक तुमने समझ लिया है तो पॉइंट जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी अभी 5 मिनट में मैं लेता हूं कि भाई ये 5 मिनट दे दो मुझे तो ये हम लोग सीख लें अभी।
डायमेंशंस जो होते हैं ना बच्चा, डायमेंशंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आयाम। आयाम को कैसे देखना है? अभी चार वो जो ऐसे है ना, उन्हीं पे बात करेंगे ताकि उन्हीं में उनको आप समझ लें, और फिर होमवर्क आप समझ ही रहे हैं दो क्लास के बाद, ये चारों ऐसे लिखना है आपका काम है, तो ताकि आप तैयार हो जाएं इतना डिस्कशन होने के बाद में, ठीक है? अलग अलग थीम का ऐसे तैयार होता चला जाएगा। हमें तो बोलना था, तो हमने बोला कि 25 ऐसे, लेकिन आप देखिएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 20 दिन में 25 ऐसे ज्यादा लिख के आएंगे। जो लोग ऐसे मेरा क्लास किया उसको पता है कि भाई इससे ज्यादा होता है क्लास में डिस्कशन हमारा। अब आयाम में देखिए, आयाम चुनने के जो तरीके हैं ना, इसको हमने दो भाग में बांटा है, आयामों को चुनने के, डायमेंशन सेलेक्ट करने के। एक टाइम के कंटेक्स्ट में बांटा है इसको, और इनफैक्ट तीन तरीके से देख सकते हैं आयाम। दो स्टैंडर्ड है और एक मैंने कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए, एक और चुना है, मुझे परेशान कर रहा है क्या, बाल है या समथिंग कुछ आ रहा है आँख पे, और दूसरा स्पेस या स्थान, देश और काल जिसको हिंदी में कहते हैं, समझते हैं इस चीज को कैसे बांटेंगे। और तीसरा ये हम लोगों का कैटेगरी है, मतलब हम लोगों का कैटेगरी कहने का मतलब ये सिर्फ कंपटीशन के लिए स्टैंडर्ड नहीं है, सब्जेक्ट के आधार। अब समझते हैं एक एक चीज को, पहले समझ लो उसके बाद अच्छे से समझना। जब हमें टाइम के रिस्पेक्ट में या तो आर्ग्यूमेंट ढूंढना है या एग्जाम्पल ढूंढना है, तो हम सोचेंगे कि भाई माइथोलॉजी हो, एक डायमेंशन होता है माइथोलॉजी का, माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथाएं, मतलब धर्म से संबंधित जो बातें हैं, धार्मिक किताबों में जो चीजें हैं, वहां से जब हम आर्ग्यूमेंट्स और पॉइंट्स या धर्म से जुड़ा हुआ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ बात करेंगे, यानी जो इतिहास में नहीं है। और दूसरी बात, एंशियंट की बात करो, एंशियंट इनफैक्ट बात करने से अच्छा कहने का मेरा पूरा मतलब है पास्ट की बात करो, और तीसरी बात करो प्रेजेंट की। अब विमेन एज ए पावर देखो, यहां से यही था ना, विमेन सोर्स ऑफ पावर। जब माइथोलॉजी की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो सीता का, दुर्गा का, सरस्वती का एग्जाम्पल लेंगे, काली, ठीक है? अब आपके पास एग्जाम्पल तो है, ये तो तय है कि एग्जाम्पल, बस टॉपिक समझ में आ गया तो एग्जाम्पल। पास्ट में अगर बात करेंगे तो गार्गी का बात करो, लोपा मुद्रा का बात करो, मेरे आंख में पता नहीं क्या है, ये बहुत इरिटेट कर रहा है, हाँ मुझे धोना ही पड़ेगा लग रहा है, मुझे वॉश करना पड़ेगा ये थोड़ा। तो दूसरा है, एक साइड पे अगर एंशियंट में बात करोगे तो लोपा मुद्रा, गार्गी वैदिक पीरियड की, उससे भी पहले थोड़ा सा वैदिक से पहले आईबीसी की ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, तो आपको कल्चर का वहां पे और मदर नेचर का जो मिला है। अब वहां से आप आगे बढ़े, एंशियंट में आप आगे बढ़ेंगे तो आप बता सकते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनको एक बात तो पता होगी, जब चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम था तो उनकी बेटी की शादी कहाँ हुई थी? वाकाटका किंगडम में, और उनके हस्बैंड की डेथ जब हो गई थी उनकी बेटी, मतलब उसका, तो वही रीजेंट थी, है ना? और उसके बाद गौतमी, पूरा पूरा जो सातवाहन डायनेस्टी है, सातवाहन वंश जो है मातृ, और उसके बाद में जो चेरा डायनेस्टी पूरा का पूरा है, उसको भी मैट्रिलिनियल कहा जाता था, मैट्रिलिनियल, है ना? तो मातृ सत्तात्मक था वो पूरा कहते हैं। तो ये हो गया एंशियंट से। मेडाइवल में अगर आप बात करेंगे तो रजिया की बात करो, और उसके बाद अकबर के ऑपोजिट में जब ये खड़ी थी, इनका क्या, अहमद कौन, दुर्गावती नहीं है, चांद बीबी, चांद बीबी में ने वो किला नहीं छोड़ा था अपना, असीरगढ़ का किला था ना, असीरगढ़ का किला था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ अहमदनगर था, हो सकता है, जो भी है, मतलब हिस्ट्री का वो पॉइंट, चांद बीबी तो नाम याद रह जाएगा, चांद बीबी ने अकबर तक से ये ले लिया। उसके बाद में अगर आप बताने की कोशिश करेंगे
थोड़ा सा अलग डायमेंशन में भी ढूंढेंगे हम लोग, देखते हैं अभी प्रेजेंट में आते हैं या थोड़ा सा और पास में लक्ष्मीबाई से लेकर के अब लिख सकते हैं ना। डायमेंशन मैंने बताया, ये वाला डायमेंशन समझ में आ रहा है, प्रेजेंट में भी खोल सकते हैं पॉइंट इसी तरीके से। अब स्पेस के बेसिस पे कैसे करते हैं, अगर पॉइंट्स लेना है, आर्गुमेंट लेना है, तो हम स्पेस के बेसिस पे देखो स्पेस क्या होगा ना। स्पेस कहने का मतलब एक सबसे छोटा स्पेस व्यक्ति, तो व्यक्ति हर बार एप्लीकेबल हो सकता है, ये वाला ज़्यादा हो कभी ये वाला ज़्यादा हो, लेकिन दूसरा तरीका है डायमेंशंस देखने का इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्ति के स्तर पे, इंडिविजुअल लेवल पे, दूसरा सोसाइटी के लेवल पे। सोसाइटी के लेवल पे जब मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल भी इसमें इंक्लूडेड है, जैसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे कहीं कोई पॉइंट ढूंढना है, देखना है, फिर नेशन का लेवल और ग्लोबल लेवल, ठीक है। ये टाइम हो गया, ये स्पेस हो गया, इनके आधार पे जब हम चीजों को देखेंगे तो ऐसे करेंगे। और सब्जेक्ट्स के आधार पे अब देखने की कोशिश करो, बीपीएससी का सारा प्रोमिनेंट सब्जेक्ट जो ऑप्शनल में है पता है? अरे प्रोमिनेंट तो पता होगा, नॉर्मल जो सब्जेक्ट है यार ऐसे वही पढ़ते हैं, वही बीपीएससी में भी दे रखा है। एक है पॉलिटिकल, हाँ पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल बात देख लिया, इकोनॉमिकल, एक तो पेस्टल एनालिसिस जो सिंपल है उसे थोड़ा आगे भी चलेंगे। पेस्टल का मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, एजुकेशनल और एल फॉर लीगल, लीगल। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं देखेंगे, मैथमेटिक्स थोड़ा सा देख लिया, अब लैंग्वेज से कोई भी इंग्लिश वगैरह का लैंग्वेज देखा, तो मैंने पूरा लैंग्वेज लिटरेचर बेसिस पे थोड़ा एक पॉइंट निकालने की कोशिश की यहाँ पे, तब ये वाला एप्लीकेबल होता है। अब जैसे एक दूसरा सब्जेक्ट, एक एरिया एक है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या बताता है? माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करना। फिजिक्स क्या बताता है? मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करना। तो ये तीसरा एक तरीका हो सकता है जब हम चीजों को डायमेंशंस में देखेंगे, तो अक्सर ये अकेले यूज नहीं होता है, इनको हम फ्यूज करते हैं, जैसे माइथोलॉजिकल और पॉलिटिकल को एक जगह फ्यूज किया, एंशियंट एंड इकोनॉमी को फ्यूज किया, तो एंशियंट इकोनॉमिक माने प्राचीन जो है भारत था या प्राचीन समय के आर्थिक मसले से एक पॉइंट निकल लिया, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो प्राचीन समय मौर्य काल में महिलाओं को व्यापार करने की सुविधा थी और उसके सम्मान की रक्षा करने हेतु तो कुछ ऑफिशियल्स भी नियुक्त होते थे, देयर वर सर्टेन ऑफिशियल डेजिग्नेटेड टू इंश्योर दैट महिलाओं के साथ गलत नहीं हो रहा मार्केट में। एग्जाम्पल निकल गया, मतलब आर्ग्यूमेंट एक निकल गया। ये तरीका होता है सब्जेक्ट्स को जब हम या तो इधर से फ्यूज करो या सब्जेक्ट को व्यक्ति के पॉलिटिकल नेचर को, व्यक्ति के इकोनॉमिक नीड्स को, समझ रहे हैं आप? यही तीन तरीके हुए, तीन डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। हमें इन्हीं तीनों डायमेंशंस में से पॉइंट जनरेट करना है, ठीक है, समझ में आ गया? पॉइंट्स कैसे जनरेट करेंगे, कहां से जनरेट करेंगे? अब हम लोग आयाम देखते हैं टॉपिक वाइज। और एक तरीका और है, ये तो आर्ग्यूमेंट जनरेट करने का अपना तरीका हो गया, एक तरीका और है, जब ब्रॉड डायमेंशंस हम लोग लिखते हैं ना तो WH क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, चार पांच क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं। जब एक बार तुम्हें पहला तुमने सेंट्रल थीम देखा, केंद्रीय बिंदु, वहां से फ्लो तुमने सीखा, और फ्लो और केंद्रीय बिंदु सीखने के बाद तुम्हारे पास में पहला सवाल करो व्हाट, फिर करो व्हाई, फिर करो हाउ, वेयर और व्हेन, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, जाने कैसे, कब, कहां। सुना है वो गाना, जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, पता नहीं देखते देखते कैसे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब देखो
पहला था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी द बेस्ट पॉलिसी। डायमेंशन निकालते हैं इसका, तुम्हारे सामने ही काम करेंगे, तुम भी मेरे साथ काम करो यहीं पर। सबसे पहला डायमेंशन निकालना है। डायमेंशंस का मतलब होता है, और इसमें एक बात मैं और बता दूं, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं सोचना है पहले। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लेटर का लिफाफा है, इनवेलप है। इनवेलप पहले नहीं बनाते हैं, एड्रेस पहले ही लिखते हैं, एड्रेस लास्ट में लिखते हैं। जो तुम्हारा बॉडी तैयार होगा उसके बेसिस पे एक इंट्रोडक्शन लिखो और उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन लिखेंगे। क्लियर है? तो पहले इंट्रोडक्शन नहीं करना है, इंट्रोडक्शन लास्ट में, ठीक है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अब हमें करना है। तो सबसे पहला बात है ऑनेस्टी को लेके चलना है, और ऑनेस्टी का फ्लो किस साइड में है? ईमानदारी का फ्लो किधर जाएगा? ईमानदारी और सबसे अच्छी नीति है ना, बेस्ट पॉलिसी। यहां से देखो तो कोई कोई अप्लाई हो रहा है क्या? ये क्वेश्चन यहां अप्लाई हो रहा है, व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाई ऑनेस्टी थोड़े बताएंगे फिर, व्हाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पहला है व्हाट इज ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या है ये पता चला। फिर ईमानदारी कैसे सबसे अच्छी नीति है, हाउ, ये मतलब क्यों, मतलब वाई मतलब क्यों होगा, मैंने कैसे बोल दिया, क्यों सबसे अच्छी नीति है, वाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्यों ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आप लोग लिखते चलिएगा ये सब थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सब मिलेगा नहीं लिखा हुआ, जो थोड़ा बहुत लिखना होगा वो लिख लीजिएगा, एटलीस्ट सीखने के लिए भी कर रहे हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है? दूसरा डायमेंशन ये होगा। तीसरा डायमेंशन क्या होगा? हाउस से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन ढूंढो जो इस फ्लो में सही बैठता होगा। अगर ऑनेस्टी अच्छी पॉलिसी है तो कैसे ऑनेस्टी को जीवन में लाया जाए? अगर ऑनेस्टी अच्छी पॉलिसी है, पहले बता दिया क्यों का आंसर तुमने दे दिया, सामने वाला सेटिस्फाई, अच्छा ठीक है ऑनेस्टी अच्छी पॉलिसी, तो बताओ फिर कैसे लाएं ऑनेस्टी जीवन में, हाउ ऑनेस्टी शुड बी इनकल्केटेड। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। कैसे जीवन में ईमानदारी लाई जाए, इनकल सी ए होगा, फिर से लिख देता हूं इनकल्केटेड, कैसे ईमानदारी जीवन में लाई जाए, वेयर, कहीं है क्या जहां ईमानदारी जो सबसे अच्छी नीति है उसका पालन हुआ है? एग्जाम्पल्स पूछ रहा है ना, कहीं है क्या जहां ईमानदारी, अब ये हम अपने से सवाल कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ऐसे से लाई जाए, या और एक तरीका तो ये कि कहीं है वो और कब, ये दोनों एग्जाम्पल से ही रिलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि कहीं है वो जगह क्या जहाँ ईमानदारी को सक्सेसफुली वापस लोगों में लाया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो आंसर हम अभी नहीं देखेंगे, आंसर देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो लिखा जाएगा ना, जो भी लिखाएगा तुम्हारा लॉजिकल लिखाएगा, ये तुम सोचो, तुम जो भी लिखोगे तुम टॉपिक से डेविएटेड नहीं हो, तुम्हारे पॉइंट्स साधारण जरूर हो सकते हैं पर तुम्हारे पॉइंट्स इलॉजिकल या अतार्किक, इररिलेवेंट नहीं होंगे। कोई बहुत बढ़िया पॉइंट लिख रहा है लेकिन कुछ का कुछ कहीं का कहीं जोड़े जा रहा है, सर पे जूता रख रहा है, पैर में शर्ट पहन रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ऐसा ही है, लॉजिकली सही तरीके से अरेंज करना है चीजों को। तो यहां पर एग्जाम्पल देखना है, अब जैसे जो भी एग्जाम्पल होगा वो देखेंगे हम लोग, बात बाकी बाद में करेंगे, अभी तरीका है ऐसे कैसे इस पे लिखेंगे ऑनेस्टी पे, वो हम लोग देखेंगे जब हम ऑनेस्टी पढ़ेंगे, अभी पहले डायमेंशन निकालना सीखते हैं। ऑनेस्टी वाला निकल के आ गया, और कब में, मतलब यहाँ पे चलो वेयर में थोड़ा सा आजकल के परिदृश्य में एग्जाम्पल ढूंढ लो, और वेन में थोड़ा पास्ट और प्रेजेंट से एग्जाम्पल ढूंढना शुरू करेंगे। और जब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अब यहां पे इन चीज को भी समझो, व्हाट का हमने पहला क्वेश्चन निकाला, व्हाट इज ऑनेस्टी, अब इसका जब हम आंसर लिखने आएंगे तो तुमने जो तुम्हें मैंने आयाम बताए थे कि समय और देश और काल है ना, इन दोनों के तरीके से हमें देखना होता है, तो
तो हम यहां पे देखेंगे व्हाट ऑनेस्टी मींस फॉर इंडिविजुअल, व्यक्ति के लिए ईमानदारी का अर्थ क्या है, समाज के लिए ईमानदारी का अर्थ क्या है, राष्ट्र के लिए ईमानदारी का अर्थ क्या है, और पूरे वैश्विक लेवल पे ईमानदारी से हम क्या समझते हैं। क्या चार पॉइंट निकल जाएंगे? पॉइंट सोचने में अब दिक्कत होगी क्या? अगर हाँ, ये हो सकता है कि अभी जब तक तुमने प्रैक्टिस नहीं किया है तुम्हें टाइम लगे। जैसे व्यक्ति के लिए ईमानदारी का अर्थ यह है कि व्यक्ति जो चीजों को, जो अपने आदर्शों को बना रखा है अपने जीवन में, उन आदर्शों का पालन करे। अगर हमें लगता है कि हमें सच्चाई का सच बोलना चाहिए, तो ऑनेस्टी का मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हमें लगता है कि अहिंसा अच्छी आदत है या गुस्सा नहीं करना एक अच्छी आदत है, तो जीवन में गुस्सा नहीं करना, ये अपने जीवन में इस मूल्य को उतारना, वी हैव टू इनकल्केट दैट वैल्यू इन आवर सेल्व्स, सो दैट विल बी ऑनेस्टी एट इंडिविजुअल लेवल। सिमिलरली फॉर अ सोसाइटी, ऑनेस्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ करप्शन, प्रेजेंस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का होना और भ्रष्टाचार का अभाव, यही ईमानदारी होगी समाज के स्तर। जो चीजें जैसे आगे बन पड़े बस लिखना है। कहने का मेरा मतलब सीधा है कि यहां के सारे क्वेश्चंस का आंसर यहां के लिखे हुए तरीकों से देना है, और जब इन दोनों को जोड़ना तुमने पजल्स के टुकड़ों को सीख लिया, तुम्हारा एसे लिखना तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में यही दो काम करना है। एक और देखते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे थोड़ा 5 मिनट का, और जीएस देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सत्य में ये नहीं नहीं ये वाला ये किधर गया है। वो एक चीज़ और बताना है आगे आपको, जो चारों टॉपिक दिए हुए हैं ना, उन चारों में सबसे पहला होमवर्क आप दिमाग में ये बिठा के रखिए कि उन चारों का डायमेंशन आप अपने से क्वेश्चंस फॉर्मेट में लिखेंगे। पॉइंट्स नहीं भी लिखे तो एटलीस्ट क्वेश्चंस लिखेंगे। एक और तरीका आपको मैं बता, एक और बात आगे इसमें बताता हूँ, ऐसे एल्गोरिदम का तरीका नहीं बात, वो आगे बढ़ाना है। किधर गया, ये समझ में आया, चूज द राइट ऐसे, पिक द सेंट्रल थीम, डिस्कवर द वेरियस डायमेंशंस। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, हर डायमेंशन में पॉइंट होंगे कि जैसे पहली बात होगी ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो व्यक्ति के लिए ईमानदारी क्या है, पहला डायमेंशन, ईमानदारी क्यों होने चाहिए, कैसे लाया जा सके, इन सब को सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले किस प्रश्न का आंसर देंगे। पहले जिस प्रश्न का आंसर लिखेंगे वो हमारा बॉडी में पहले आएगा, फिर दूसरा क्या आएगा, तो पहले डायमेंशंस को ऑर्गेनाइज करो। जैसे अब, और डायमेंशन में ऑर्गेनाइजेशन के बाद उसके बाद पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करो उस डायमेंशन में। अब देखो इस चीज़ को मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ तुमको। यहाँ पे हमने लिखा था ना, किधर गया वो वाला, ये व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाई इज ऑनेस्टी। अब यहां पे तुम नंबरिंग दो, ये पहले नंबर पे रखोगे क्या, फिर अगर तुम्हें मन, तुम देखना है कि व्हाट के बाद में हम क्या पहले लिखें, व्हाई वाला डायमेंशन पहले डालें कि हाउ ऑनेस्टी का डालें, तो तुम्हें लग रहा है कि व्हाई का। लेकिन जब तुमको सोचना है ना, तो जो तुम्हारे पहले मन में डायमेंशन आ रहा है पहले लिख लो उसको। ये मत सोचो कि पहले ये लिखेंगे तो जो मतलब सीक्वेंस हमारे दिमाग में आना ही चाहिए, पॉइंट्स हमारे दिमाग में सीक्वेंस वाइज नहीं आते हैं बॉस, जो आते हैं जब आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं पहले नोट करो, अरेंज बाद में करेंगे उसको। पहले डायमेंशन नोट किया, डायमेंशन हर टाइम अच्छा। अब इसके अंदर पहले वन, वन का ए बी सी डी करना है, चार पॉइंट इसमें आए। अब उसमें लिखेंगे कि ये वाला पहले पॉइंट डालना है, ये ए में डालेंगे, ये बी में डालेंगे पॉइंट, ये सी में डालेंगे, फिर हमेशा तुम्हारे पास ऐसा एक मॉडल प्रेजेंट हो जाएगा। वन, वन का ए बी सी, टू, टू का यहाँ वाला पहला पॉइंट बी लिखा, उसके बाद ए लिखा, उसके बाद सी लिखा, जैसे जैसे आया, फिर फोर, फिर थ्री, ऐसे करते हुए पॉइंट बन गए। तुम्हारे पास डायमेंशंस रेडी हैं, तुम्हारे पास डायमेंशंस में पॉइंट्स रेडी हैं, तुम्हारा डायमेंशन भी ऑर्गेनाइज है, आयाम भी ऑर्गेनाइज है, और ऑर्गेनाइज के उसके बाद पॉइंट्स भी ऑर्गेनाइज है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम पॉइंट्स जनरेट करने के बाद करना है। समझ में आ गया? जब एक बार ये काम तुम्हारा खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रो कैसे, इंट्रो को कैसे लिखा जाएगा उस टॉपिक के लिए। तो इंट्रो लिखने का तरीका देखेंगे, हर मतलब इंट्रो लिखने के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, स्टैंडर्ड तरीके हैं
टाइप्स हैं, मतलब प्रोटोटाइप सिखा दूंगा कि एक तरीके का इंट्रो ऐसे लिखना है, इस इंट्रो में पहले ये बात कहनी है, दूसरा ये बात कहनी है। कुछ इंट्रो कॉन्टेक्स्ट और थीसिस स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग लिखते हैं, कुछ इंट्रो एनेक्डोट्स या किंवदंतियां, कुछ कहानी से शुरुआत करते हैं, तो वो तरीका मैं आपको सिखा दूंगा अगली क्लास इंट्रो। और जैसे ही ये इंट्रो और कंक्लूजन लिखना हमने सीख लिया और बॉडी ऑर्गेनाइज करना सीख लिया, इसके बाद हम लोग किसी किसी कोई भी टॉपिक लेंगे, कोई भी एट रैंडम टॉपिक लिया, उसका एक डायमेंशन, पहले डायमेंशन सारे निकाल लिए, उसका एक डायमेंशन पकड़ा, उसके एक डायमेंशन को तुम्हारे सामने मैं पैराग्राफ में लिख करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग दूसरा डायमेंशन दूसरे किसी टॉपिक का लिखने की कोशिश करें, ताकि आपके पास चार पांच ऐसे, छः सात ऐसे का यहाँ पे तीन चार दिनों के अंदर में प्रैक्टिस पहले हो जाए, उसके बाद हम लोग थीम वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। और एक थीम पढ़ा, एक ऐसे मिलेगा उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, और इसको लिख करके लाना है। तो अभी चार ऐसे जो आपको मिले थे वो करके आएंगे आप, ठीक है, थोड़ी देर रोकिए जीएस के लिए, है ना, थोड़ी देर, आधे घंटे के अंदर में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना होगा तो 10 मिनट बाद आके पूछ सकता है, ठीक है।